कौन नहीं जानता, इतने सालों से इनको बेस्ट कॉमेडियन का अवार्ड मिल रहा है टीवी पर, हमेशा इनके शोज देखते हैं, इनको कोई कॉम्पीट ही नहीं कर पाया। लेटली मैंने इनका एक फोटो देखा था, अभी आपकी एनिवर्सरी थी तो आपके बेटे के साथ की मेरे हस्बैंड मेरे को कहीं डिनर पे लेके जाए आज। एक महीने पहले ही मैंने देखा था, आपने इंस्टा पे डाला था। तो आज ये हमारे साथ हैं, तो आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, आज मुझे लग रहा है कि मैं इन सब की मम्मी हूँ और ये बच्चे हैं। बिल्कुल, आप लोग बहुत तंग करते हो यार, क्योंकि मैं अपनी माँ का भी बच्चा बोल रही हूँ। बस आप लोग को यही कहना है कि हाँ, बचपन में आप लोगों ने हमें बहुत संभाला है, हम चाहते हैं कि लाइफ टाइम माँ बाप ही संभालें हमें। हमारी बारी कभी ना आए कि हम लोग आपको संभालें, क्योंकि आप लोग को इतना एक्सपीरियंस है, आप लोगों ने हमें बड़े किया है, आप लोगों को हर चीज़ पता है। बचपन में आप लोगों ने हमें कहा है बाहर का खाना नहीं खाना, घर का खाना है, सुबह जल्दी उठो। आज आप लोगों को क्या हो गया, आप बदला ले रहे हो हमसे? सो ये बहुत अच्छी जगह है, मेरे लिए तो ये एक मंदिर है। और मुझे इस बात पे अभी बोलना नहीं था क्योंकि मैं सब चीज़ें देख रही थी, बट आप लोग हैं तो मुझे लगता है कि आप लोगों को बोलना चाहिए। मेरी मम्मी और मेरी सासू माँ वहाँ पर बैठी हैं, हाथ ऊपर करो दोनों। वो मेरी मम्मी और सासू माँ कम, दोनों बहनें ज़्यादा लगती हैं, तो हमको बहुत डर लगता है क्योंकि इतना साथ रहती है, हमको लगता है इनका चक्कर ना शुरू हो जाए। इतना साथ रहती हैं, गहने कपड़े सेम ऐसा बनाऊंगी वो। बट आज यहाँ पे दोनों हैं, मेरी सासू माँ है जो उनको डायबिटीज़ की शिकायत है, बहुत हाई लेवल पे थी, फैटी लीवर था। मेरी मम्मी को किडनी की प्रॉब्लम है और हमने अपनी मम्मी को बताया नहीं था कि उनका क्रिएटिनिन लेवल कहाँ तक पहुँच गया। बट आज भी नहीं बताना चाहती किस लेवल पे है, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन लेवल पे है और मैं बहुत खुश हूँ और मैं लेके भी जा रही हूँ दोनों को वापस, इसी उम्मीद के साथ कि वापस फिर आके पूरे ठीक होना है। ये लंच ब्रेक है, ये ब्रेक पे लेके जा रही हूँ एक हफ्ता, उसके बाद फिर आना है। और बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये आपको ठीक नहीं कर रहे, आपको सिखा रहे हैं कि खुद कैसे ठीक होना है और पूरे घर को कैसे ठीक करना है। तो आप लोग माँ बाप हो, हमेशा माँ बाप ही रहोगे, प्लीज़ हमारी देखभाल कीजिए, हमें मत मौका दीजिए। क्योंकि आप लोग आज 3 दिन के लिए यहाँ आए, वो 3 दिन के लिए आपको भी पता है आपके बच्चे कितना स्ट्रेस में होंगे। जब भी आप फ्री होके रूम में जाते हैं, फ़ोन मिलते हैं तो मैसेज आया होगा, क्या हुआ, क्या कर रहे हैं, अब कैसा लग रहा है, हो रहा है ना आंटी, ऐसे पूछते हैं ना सब लोग। तो प्लीज़, बड़ी उम्मीद के साथ उन्होंने आपको भेजा है, मुझे किसी ने नहीं हिम्स के बारे में बताया था, क्योंकि जो अच्छी चीज़ें होती है ना उसकी पब्लिसिटी कभी नहीं करते कोई। मैं यूट्यूब पे, क्योंकि मेरे व्लॉग्स आते हैं तो मैं ऐसे यूट्यूब देख रही थी, तो किडनी का रोग ऐसा कुछ आया, तो मेरी मम्मी को किडनी की प्रॉब्लम है, और घर में किसी को भी किसी चीज़ की शिकायत होती है तो कुछ आ जाता तो हम उसको देखने लग जाते हैं। उसमें मनीष जी बोल रहे थे, मुझे ऐसे लग रहा कि मतलब इंकलाब, ये भाई कोई गांधी जी के ज़माने का देशभक्त है, एक आपको समझा रहे हैं इतनी अच्छी से चीज़ें। फिर भी ट्रस्ट नहीं किया मैंने। 2 महीने इनके सारे वीडियोस देखे कि क्या कर रहे क्या कर रहे, और ऐसा नहीं कि वो खुद बोल रहे, वो लोगों को कह रहे आप ठीक हुए आप बताइए। और मैं एक एक्टर हूँ, 15 साल से एक्टिंग कर रही हूँ, मुझे पता चल जाता है कि कौन एक्टिंग कर रहा है सर और कौन सच बोल रहा है। वो सच में बीमार थे, जो सही हुए थे वो सच में सच बोल रहे थे। तो बस आप बस इतना कीजिए, ये चीज़ सीख लीजिए कि सुबह से शाम तक कैसे अपने आप को ठीक करना है। वाकई ये सर ने बहुत अच्छी बात कही। वो कहाँ गए सर, वो बिल्कुल एकदम आर्मी ऑफिसर के कर्नल लग रहे थे। हम कहाँ है सर, आप आइए आइए, मुझे लगा आपको कल ही परमवीर चक्र मिला सर। इतना जोश कि देखिए ये, अरे वाह सर, मैं वैसे ना आपको देने के लिए ये बहुत छोटी हूँ, मैं बिल्कुल भी इस काबिल नहीं हूँ कि मैं आपको ये दूँ, क्योंकि आप इतने बड़े हैं, इतने एक्सपीरियंस वाले हैं। ये बस मेरी तरफ से सर, ऐसे ही फोटो खिंचा लेते हैं हम। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ जी सर, हमारी सारी फैमिली आप सबको देखती है। थैंक यू। बड़े डॉक्टर हो आप। थैंक यू सर। बस देखिए, बहुत बड़ी डॉक्टर हो, पेशेंट दो ही इधर। लॉफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, आपकी पूरा चेस्ट खोल देती है। हमारी मम्मी हमारा लॉफ्टर देखती है डेली सोप लगा के, अनुपमा देखती रहती है। उनको ये पता नहीं कि बेटी ने कहाँ हंसा है, लेकिन ये पता कि अनुपमा का पति छोड़ के चला गया। बहुत बोरिंग सीरियल है, ट्रेडिशनल रोतड़ू राम, लेकिन ये
देखती हैं, अभी हफ्ते की छुट्टी के लिए जा रहे हैं, सारे अनुपमा के एपिसोड देखेंगे ये। बट बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप सब जल्दी ठीक हो जाइए। और ठीक होना, जब मेरी मम्मी 5 पे था इनका क्रिएटिन, हम इनको हॉस्पिटल लेके गए, वो हर दिन मेरे को रिपोर्ट में गिफ्ट दे रहे थे, एक एक पॉइंट बढ़ा रहे थे, आज 6 आज 7 ऐसा हो रहा था। मैं उनको पैसे भी दे रही थी, वो बदले में मुझे बीमारी डबल करके दे रहे थे। मैं क्या हुआ, बड़ी अच्छी गेम थी ये। और हर बंदा आके सफाई वाला, खाने वाला, फ्रूट वाला, डाइट वाला, एंटी डायलिसिस कुछ नहीं होता, पता भी नहीं चलेगा आपको, तैयार कर रहे थे मम्मी को, तैयार कर रहे थे, कुछ नहीं होता आंटी, आप खुद आओगे हफ्ते में 3 बार, आपको मजा ही आ जाएगी, कोई मजे वाली चीज है। मेरे को लगता है कि सारे डिजीजेस, मतलब कि इनकी जो जड़ है ना, दैट इज लव एंड कंपैशन। आज हम लोग की जिंदगी में प्यार मिसिंग है, हम फियरफुल स्टेट में रह रहे हैं, तो अगर आपकी मम्मी को भी ये डिजीज हुई है, कहीं ना कहीं आप लोग पैसा कमाने में निकल गए और आपकी मम्मी आपको मिस करती रही। नहीं तो मतलब हफ्तों में मैं ब्लेम करूंगी अगर आपकी मॉम को ये डायलिसिस है। हाँ, मेरे को जवाब चाहिए कि आपका लव और कंपैशन कहाँ था जब आपकी मॉम को आपकी जरूरत थी। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा हमेशा से, मेरी सास और मेरी माँ बैठी है, मैंने किसी को सिखाया पढ़ा नहीं। आप उनसे पूछ लेना कि मैं कैसी बेटी हूँ, कैसी बहू हूँ। आई नो पैसा बहुत ज़रूरी है, पैसा नहीं होगा तो इलाज कहाँ से कराएंगे, पैसा नहीं होगा तो जो आचार्य जी बोलते हैं फ्रूट्स खाइए, ये कीजिए, वो कहाँ से करूँगी मैं करेले कहाँ से लाऊँगी उनकी थेरेपी के लिए। काम बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैंने फैमिली भी हर जगह साथ में चलाई है। आई नो मैं बहुत काम करती हूँ, मुझे पता है कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, लेकिन मैंने जो हमने पहले जो गरीबी देखी है ना, मैं वो अपनी माँ को नहीं दिखाना चाहती थी। मुझे था कि मेरी मम्मी को हाँ किडनी की प्रॉब्लम हुई है, लेकिन ये कोई इतनी बड़ी बीमारी नहीं है, ये बीमारी नहीं है, आप बीमारी मत मानो, इसको बोलो मैंने ठीक करना है, मुझे पता है। बट एक पूरा साल मैं डे नाइट काम करती हूँ सिर्फ अपनी फैमिली के लिए, और मेरी फैमिली को भी पता है, साल के 10-15 दिन हम लोग सब एक साथ रहते हैं, ट्रैवल करते हैं, चाहे वो डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल। मेरी पूरी फैमिली नेक्स्ट ईयर का वेट करती है, अगर यूरोप हो गया मम्मी अगले साल कैनेडा, वो तैयारियां करती रहेंगी, मैं तो ये लॉन्ग शूज लूंगी, बर्फ होती मैं कोट लूंगी, तो ये मैं उनको बिजी रखती हूँ। और उनको पूछो कभी इग्नोरेंस फील हुआ आपको, ये फिर भी डेली सोप देखते हैं कि अभी मैं क्या करूं। लेकिन एक बात बोलूं मैं, बच्चे जैसे आपके बच्चे मतलब जान है, वैसे आप लोग हमारी जान हो। आप लोग ये मत सोचिए कि हम बड़े हो गए हैं, मुझे नहीं पता 5 उंगलियां बराबर होती नहीं कि आपके बच्चे कैसे हैं या कैसे मैं कैसी हूं, मैं आपको बता रही हूं, मुझे ही पता कि आपके बच्चे बहुत अच्छे होंगे तभी तो आप यहां पर हैं, नहीं तो आप भी किसी इंग्लिश हॉस्पिटल में आईसीयू में होते जैसे मेरी मम्मी थी। इतनी मशीनें लगी थी ना, मैं खुद डर गई, वो बंदी खा रही है, यूरिन पास कर रही है, मोशन पास कर रही है, चल फिर रही है, भूख लग रही है, फिर भी डॉक्टर बोल रहे कि ये सीरियस है, आईसीयू में रहेंगी। मुझे नहीं पता कि ये बातें मम्मी को सच बोली है कि नहीं, कितनी मशीनें लगी थी आचार्य जी। मैंने मम्मी को पता क्या बोला, मैंने बोला ये मैन मेड मशीनें हैं, ये सब झूठ बोल रही हैं, आपका मॉनिटर बॉडी का सबसे बेहतरीन आप हो। आपको लगता है कि मैं खड़ी हूं, मैं ठीक हूं तो मैं ठीक हूं, कोई भी डॉक्टर बोले नहीं मैं ठीक हूं। मेरा आज बहुत सर दुखता है, पेट दुखता है, लेकिन मैं हंसती रहती हूं, क्योंकि मेरे में वो शक्ति है कि लोगों को मैं अपना दर्द नहीं दिखा सकती, मुझे पता कैसे ठीक होना है। आप तो बड़े एक्सपीरियंस वाले हो, आप लोगों ने हमें पैदा किया, हमने आपको नहीं। सो प्लीज अपनी तरफ ध्यान दीजिए, आपके बच्चे आपसे बहुत प्यार करते हैं, हर बच्चा आपसे बहुत प्यार करता है। तो मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ये 3 दिन गोल्डन डेज है, ये 3 दिन गोल्डन डेज है, इसका पूरा फायदा उठाइए, डॉक्टरों की जान खा दो, यहाँ पर हर चीज पूछो, ये क्यों कर रहे हैं, इससे क्या होगा, ये क्या कर रहे हैं, आप सीखिए ताकि आप जाकर करवा सके। मनीष जी सॉरी मैं आपका काम थोड़ा कम कर रही हूँ, बट मैं सही बोल रही हूँ कि सीखिए, यहाँ बार बार नहीं आना, ये लोग आपको फोन करें क्या भाई, फोन नहीं आया आपको, ठीक हो, ये करें फोन, ये घबराए भाई, कहाँ गए पेशेंट हमारे, आप बोलो हम ठीक है, आगे 10 को ठीक कर रहे हैं। मैं इतनी बड़ी नहीं कि आपको इतनी बातें समझा सकूं, क्योंकि आप हमारे माँ बाप हैं, तो प्लीज आप अपना ध्यान रखिए, और सिर्फ मेरे शो देखना, और कोई डेली शो देखने की जरूरत नहीं।
सो बहुत अच्छा लग रहा है. आई नो कुछ लोग मिलना भी चाहते थे तो, लेकिन मैंने बोला कि हाँ चलो लास्ट में सबसे एक ही बार मिलेंगे और ठीक हो जाओ यार जल्दी. यहाँ अच्छे नहीं लगते आप लोग, घर में अच्छे लगते हैं. और कोई ऐसी दवाई नहीं है जो हनुमान जी ला के देंगे जड़ी बूटी, वो जड़ी बूटियाँ सारी घर में ही हैं. आज मैंने वो करेले वाला कुछ किया था, आप लोगों ने भी शायद किया होगा. मैं सच्ची कहूँ मैंने दिल से किया. आज मैंने पैर जब डाले ना, मैंने फील किया कि हाँ अगर मेरी डायबिटीज़ होगी तो ठीक होगी. मेरी सासू माँ, मेरी मम्मी 15-15 दिन से हैं, उनको अभी टेस्ट नहीं आया. मेरे को आधे घंटे में मनीष जी टेस्ट आ गया मुंह पे. मैं थूकने लग गई, मैं कि मेरा मुंह कड़वा हो गया. मैंने जूस मंगा के पिया क्योंकि मैंने उसे फील किया. आप जब भी कोई दवाई, कोई थेरेपी या खाना खाते हैं तो अगर आप बोलेंगे ना माथा टेक के कि ये मुझे असर करेगा, तो वो असर करेगा. चाहे वो किडनी हो, चाहे कैंसर, सब क्योर हो जाएगा. वो आप लोग के हाथ में. हमारी बॉडी सबसे बड़ा डॉक्टर होती है, लेकिन हम इतना खा लेते हैं कि बॉडी उसे पचाने में लगी रहती है. ट्रीटमेंट कब करेगी? आप मुझे भी देख रहे होंगे, ये पतली होगी अब बातें कर रही है. बट मैं खाना पीना पूरा रखती हूँ. लेकिन जब से मुझे पता चला मेरी मम्मी बीमार हुई है कि ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए, ये खाओ और ऐसे मत पियो, आराम से पियो, बहुत चीज़ें सीखने को मिली. मैं पिछले 2 महीने से आचार्य जी की वीडियो देख रही हूँ. और ऐसा नहीं कि मेरी मम्मी यहाँ पर है तो मैं इसीलिए बोल रही हूँ. आज भी वो रूम पे आए, मैं उनका वीडियो देख रही थी. इधर मैं ओरिजिनल खड़े थे, मेरे को आवाज़ आ रही, मैंने इधर देखा ही नहीं. मुझे लगा वीडियो से बोल रहे हैं भारती जी, कब से करें, मुझे लगा वीडियो में देख रहे हैं. सो बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, अपना ध्यान दीजिए. ये 3 दिन है, डॉक्टरों का दिमाग खा दो, बेहोश हो जाए डॉक्टर आपको बताते बताते कि क्या पूछी जा रहे हैं. सही कह रही हो ना मनीष जी? क्योंकि ये जो 3 दिन है ना, मैं कल से आई हूँ, मैंने सारे डॉक्टर जितने भी यहाँ पे आपका केयर कर रहे हैं, केयर टेकर जितने भी, सबकी हालत बड़ी ख़राब है. सब लोग, आप लोग तो कल ही आए, लेकिन सब लोग पिछले 1 महीने 2 महीने से तैयारी कर रहे हैं. आज ही वो लड़की मुझे मसाज कर रही थी, वो बोलती हम 3 दिन से घर नहीं गए, कोई सोया ही नहीं, कोई नहीं सोया कि आप अच्छे से सो सके. तो ये बच्चे आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ इनका साथ दीजिए और सीखिए यहाँ पर क्या होता है. और प्लीज़ घर में जाके भी बोलिए. मुझे मिलेट पता ही नहीं था क्या होते हैं. मेरे को डॉक्टर ने भी बोला था कि आप बच्चे को ना एक टाइम मिलेट दो, तो मैंने कहा ये क्या चीज़ है, मैं तो कभी सुना ही नहीं था. लेकिन अब यहाँ पर इतना आके सुना है, इतना मिलेट सुना है, और इतने मिलेट है यहाँ पर, इतनी भारत में मिलिट्री नहीं है जितने मिलेट यहाँ पर है. बट आप खाइए, मज़ा कीजिए, इंजॉय कीजिए और जल्दी ठीक हो जाइए. थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू. तो आज का ये हमने शो कर रहा है, बेसिकली मैं सिर्फ ये दिखाना चाहती हूँ कि जब कोरोना में जी पूरे वर्ल्ड में जी पूरे वर्ल्ड में कोई बहुत अच्छी बात कही, मैं भी बोलूंगी, सिर्फ हमारी टीम ने, डॉक्टर बीआरसी ने, और उसका क्या की था, क्या था, किसी ने पकड़ा नहीं. लव एंड कंपैशन, आइसोलेशन किल्स द पीपल एंड लव एंड कंपैशन हील्स द पीपल. तो हमें किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपने पैसे बचा के रखो, ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है. नो योर हीलिंग पावर. द फर्स्ट थिंग इज लव योर सेल्फ. द फर्स्ट थिंग इज लव योर सेल्फ. योर बॉडी शुड डांस, योर बॉडी शुड सिंग. अगर आप अपने आप में खुश हैं, आपको किसी की जरूरत ही नहीं है. और जब आप खुद को प्यार करेंगे, देन ओनली यू कैन स्प्रेड हैप्पीनेस, कंपैशन, कंपैशन फॉर एवरीवन. यस, आज मैंने हीलिंग मेडिटेशन रखा था. अगर हम सब लोग हाथ पकड़ के, और हम यहाँ एक पानी रखते हैं, वो पानी कड़वा है, और हम उसको ब्लेसिंग भेजते हैं 5 मिनट की मेडिटेशन में, आई कैन प्रूव कि वो होली वाटर कन्वर्ट हो जाएगा. दिस इज द सुनामी जो हमारी लव एनर्जी से आ सकती है. क्यों हम लोग अपनी एनर्जी भूल जाते हैं और डॉक्टर उसके चक्कर काटते रहते हैं, कभी एलोपैथी, कभी आयुर्वेदा, कभी नेचुरोपैथी. यू आर योर ओन डॉक्टर्स. जागो, अगर आज नहीं जागे तो कभी नहीं जागोगे. आज अपने बच्चों को मैथ ले जा रहे हो, कल अपने पोतों को लेके जाओगे, यही जिंदगी चलती रहेगी. यहाँ स्वर्ग बना के जियो, मत जियो. पोते अपना देख लेंगे, बच्चे अपना देख लेंगे, आप अपनी तरफ देखिए. आपने सारी जिंदगी दे दी बच्चों को, अब आपकी बारी है. अपनी तरफ देखिए, अपना ध्यान. मैं एक चीज और कहना चाहती हूँ, आखिरी फिर मैं जा रही हूँ. क्यों जा क्यों रहे हैं? अच्छा, मैं एलोपैथिक डॉक्टर थी. जब मैंने डॉक्टर बीआरसी सर को ज्वाइन करा, मेरे बच्चे मेरे को बोलते थे कि मॉम यू हैव ज्वाइन अ कल्ट.
इतना अच्छा कमाती हो, इतने रिच हो, दो इतने हैंडसम बच्चे, जरूरत क्या आई डॉक्टर बीआरसी को ज्वाइन करने की? लेकिन मैंने किया और एक साल तक मैं उनके साथ काम कर रही हूँ। आज मेरे दोनों बच्चे मेरे साथ खड़े हैं, आज मेरे दोनों बच्चे डॉक्टर बीआरसी सर को सैल्यूट करते हैं। आदित्य निताज कम ऑन द स्टेज। आज मैंने बोला कि मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ लोगों को, और हमारा जो योगा ग्रुप है, जो हम मेडिटेशन करते हैं, सारी टीम मेरे साथ आई है, वो सारी वही टीम है जो हमें योगा और मेडिटेशन कराती है। और मतलब ये लोग मैसेज देना, कम ऑन द स्टेज मैन, आई फील सो प्राउड कि मेरे बच्चे नेचुरोपैथी में कन्वर्ट हो गए, जो मुझे बोलते थे मॉम इट्स अ कल्ट। आज 6 महीने बाद ये दोनों मेरे साथ यहाँ स्टेज पे खड़े हैं। क्या बात है, ऐसे लग रहा है कि 3 भाई बहन खड़े हैं। यहाँ जवान भी होते हैं आके, तो सच में ये अपना ध्यान रख रही है, इसीलिए बच्चे सच में लग रहा है कि छोटी बहन दो भाइयों के साथ खड़ी है। क्या बात है, अरे बच्चों मम्मी में इतनी एनर्जी, वाह ऐसी मम्मी सबको मिले। मम्मी ये देखो, चलिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। इनका कोई यहाँ पे नहीं बैठा, ये आप सबके लिए इतना बोल रही है। सो कोविड की बात कर रहे थे, मैं भी, मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं, मेरे हस्बैंड ने बिल्कुल ट्रस्ट नहीं किया कोविड पे, और आज तक मेरे और मेरे हस्बैंड को कभी कोविड नहीं हुआ। मेरी मम्मी को इतना बुरा कोविड हो गया था, आईसीयू में, बोलते चेस्ट गई, लंग्स काम नहीं कर रहे, आईसीयू में रखा था। मेरी मम्मी रोज वीडियो कॉल पे दिखाती थी, साथ वाला गया ऊपर मर गया, सामने वाला गया, इधर इसको बांध रहे हैं। आप सोचो वो बंदी का मेंटली क्या हो रहा होगा, इधर भी मर रहा, उधर भी मर रहा, इधर भी। मैंने बोला मम्मी आपको कुछ नहीं होगा, फोन है आपके पास, वो जो घूमने गए थे वो वीडियो निकालो सारे, वो देखो, बच्चों को वीडियो देखो, मैं और वीडियो भेजती हूँ। मैं सर आईसीयू में जाती थी अपनी मम्मी को खाना देने, मास्क पहन के, बाल कवर करके, मुझे कभी भी कोविड नहीं हुआ, क्योंकि मैंने कोविड के बारे में सोचा ही नहीं। मेरे को डॉक्टर्स कहते थे भारती जी आप मत जाइए, प्लीज़ आप बीमार हो। मैं कहा सर मैं नहीं, जब तक मैं अपने आप को नहीं बोलूँगी ना मैं बीमार नहीं होंगी सर। इतने सारे पेशेंट थे जिनको हाय हेलो करके आती थी, कल होते ही नहीं थे वो, कितनी बुरी बात थी। मेरी मम्मी वहाँ पर थी, सिर्फ सिर्फ मोटिवेशन और अपने आप को ध्यान रखो, आपको कुछ नहीं होगा, आप ठीक है। कोई भी कितना भी बड़ा डॉक्टर बोले अरे आपका तो हार्ट गया, बोला मेरा चल रहा है, मैं बात कर रही हूँ, मेरा ठीक है, किडनी आपकी गई, खत्म, मुश्किल ऐसे करी जाए। मैं कहा कोई मुश्किल नहीं, डायलिसिस डायलिसिस यही पीछे पड़े रहे। मैंने बोला मैंने भी नहीं करवानी, मेरी भी जिद है, मैं आखिरी उम्मीद के साथ। मैंने बोला लास्ट क्या है, डायलिसिस या फिर किडनी ट्रांसप्लांट, वो तो करना ही है चलो, लेकिन एक लास्ट उम्मीद है हिम्स, वहां जाके देखती हूँ। और अभी तक जो मेरी उम्मीद थी ना, मैं ये नहीं कहूंगी कि 101%, मैं 50% अभी भी उस उम्मीद पे हूँ, और वो उम्मीद 50% डन हो गई है। अभी मैं वापस लेके आऊंगी अपनी मम्मी को, सासू माँ को, इतना वो, मैंने बोला कि सही होना है, भगवान ना करे कि अगले कैंप में आप लोग आओ, आप लोग सही हो जाओ, अगले कैंप में मेरी मम्मियाँ खड़े होकर ऐसे लेक्चर देंगी जैसे वो मैम ने दिया है, तो बस ठीक हो जाओ जल्दी आप लोग। कोई बीमारी बीमारी नहीं होती, आप लोग खुद अपनी बीमारी ठीक कर सकते हैं। आप लोगों ने तो बचपन में कहा है क्या गला खराब है, अदरक खा लो, अदरक वाली चाय, इलायची, आपने तो कभी नहीं कहा कि ये गोली खा लो, आप लोगों ने सिखाया है तुलसी पत्ता खाओ, पालक मेथी, ये सब बोला है, इसमें ये विटामिन होती है, आप लोगों ने बताया, अभी आप लोग ही भूल गए। जब बचपन में हम करेले नहीं खाते थे, मेरी मम्मी करेले भी खा लिया करो कभी, थोड़े भिंसिया नहीं होंगे, शुगर नहीं होएगी, अभी उनको याद दिला रहे मम्मी बचपन में क्या कहा था, क्योंकि आप लोग की सारी जिंदगी हमें बनाने में लग गई, हम लोग बन गए हैं, अभी आपका हर बच्चा बन गया है, अभी उसके मुंह में निवाला नहीं डाला, वो खुद डालेगा, उसको पता है खाना, आप अपनी तरफ ध्यान दीजिए। 3 दिन आए हैं, सीखिए कैसे ठीक होना है। वो लोग 3 दिन ही आए हैं, बाद में नहीं इनके पास आना, ये तरसेंगे आप लोग के लिए, फ़ोन करेंगे भाई किधर हो, ठीक है, बोला यस। मैं बार बार यही आपसे यही कह रही हूँ, अपना ध्यान रखिए, अपने आप को आप खुद ठीक कर सकते हैं।